हाय दोस्तों, E4 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप YouTube एप्लीकेशन में जो भी वीडियो देखते हैं रोज़ाना और आप उसे चाहते हैं डिलीट करना हमेशा के लिए, तो चलिए आज का ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि YouTube एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ओपन करेंगे। तो ये रहा YouTube एप्लीकेशन, मैं ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले लाइब्रेरी वाला ऑप्शन में आएंगे। आने के बाद यहाँ पर मैंने जो भी वीडियो देखा है हिस्ट्री, यहाँ पे YouTube की ये यहाँ पे शो कर रहा है। अब मुझे ये सब डिलीट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ईमेल आईडी का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको नीचे आना है और नीचे आने के एक ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे सेटिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जनरल डेटा सेविंग ऑटो प्ले, यहाँ पर वीडियो और डाउनलोडिंग वॉच ऑन टीवी, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन में देखने को मिलेगा, ये देखिए वॉच ऑल हिस्ट्री। ओके, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे जो भी आपने देखा है वही ईमेल आईडी आपको सेलेक्ट करना है, दूसरा ईमेल आईडी नहीं कीजिएगा। अगर आप दूसरा ईमेल आईडी सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो वीडियो आपने देखा है हो सकता है कि वो यहाँ पे शो ना करे, क्योंकि आपने वो ईमेल आईडी से वीडियो देखा ही नहीं हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल आईडी यहाँ पे शो हो चुका है। अब डिलीट करने के लिए सिंपली एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे डिलीट का, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा कि आप डिलीट टुडे का करना चाहते हैं, डिलीट कस्टम रेंज या फिर डिलीट ऑल टाइम। तो मैं यहाँ पर डिलीट ऑल टाइम वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपका यहाँ पर सारा आ जाएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डिलीट, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डिएक्शन कंप्लीट पूछ रहा है, ओके कर दीजिए। आपका सारा का सारा डिलीट हो चुका है और नो एक्टिविटीज। तो बैक आकर आप देख लीजिए, यहाँ पे बैक आकर आने के बाद आपको यहाँ पे लाइब्रेरी वाला ऑप्शन भी जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है हिस्ट्री, यहाँ पर बोल रहा है दिस इज नो वीडियोज़। तो इस तरीके से आप रिमूव या फिर डिलीट कर सकते हैं ऑल